गुड इवनिंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों को करवक पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो करवक जो है वह काव्य खंड का प्रथम अध्याय है। करवक पाठ के कवि हो गए हैं मल्लिक मोहम्मद जैसी। करवक पाठ के कवि कौन हो गए हैं? मल्लिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, करवक क्या है? करवक कविता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करवक किस प्रकार का पाठ है? तो करवक क्या है? करवक कविता है, और इस कविता के कवि हो गए हैं मल्लिक मोहम्मद जैसी। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मल्लिक मोहम्मद जैसी जी ने जो कविता लिखे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मल्लिक मोहम्मद जी के बारे में जानते हैं। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म जो है अनुमानता वह 1492 ईस्वी में। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी जायस नामक ग्राम में हुआ था। गांव का नाम क्या था? जायस। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म जो है वह जायस नामक ग्राम में हुआ था। गांव का नाम था जायस। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिला हो गया कब्र अमेठी और गांव हो गया जायस। चूंकि गांव का नाम जायस था, इसीलिए मल्लिक मोहम्मद जायसी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जायसी से ये ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनके गांव का नाम क्या था? जायस। इसीलिए मल्लिक मोहम्मद या ये जायसी कहलाते हैं। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का पूरा नाम ना लेकर के शॉर्ट में हम लोग जैसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था जायस नामक ग्राम में। ठीक है, और निधन जो है 1548 ईस्वी में हुआ था। यह अनुमानता, जन्म भी अनुमानता है और निधन भी क्या है? अनुमानता है, कॉन्फर्म नहीं है। इनके पिता हो गए मल्लिक शेख ममरेज। इनके पिता क्या हो गए? मल्लिक शेख ममरेज। लेकिन कहीं कहीं आपको मल्लिक राजे अशरफ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म 1492, निधन 1548, इनके पिता मल्लिक शेख ममरेज। अब है इनके गुरु सूफी संत शेख मुहिद्दी। इनके गुरु कौन हो गए? इनके गुरु हो गए सूफी संत शेख मुहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के गुरु हो गए सूफी संत शेख मुहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो आरंभ में ये किसानी का जीवन व्यतीत किए कौन? मल्लिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, उसके बाद या साधुओं और फकीरों के साथ अपना जीवन व्यतीत किए। मल्लिक मोहम्मद जैसी जी अनाथ थे। ठीक है, इनका बचपन साधुओं और फकीरों के संग व्यतीत हुआ। ठीक है, अब आइए। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के व्यक्तित्व के बारे में, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी जो थे वह क्या थे? मृदुभाषी थे। ठीक है, मृदुभाषी थे।
मल्लिक मोहम्मद जैसी मृदुभाषी थे, ठीक है, मनस्वी मतलब इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, विनम्र स्वभाव के थे, ठीक है। चेचक रोग के कारण यह रूपहीन थे, मतलब मल्लिक मोहम्मद जैसी देखने में सुंदर नहीं थे, उनके फेस पे चेचक का दाग था, ठीक है, चेचक रोग का दाग था, यह ये बाई आँख और बाई कान से वंचित थे, बाई आँख से देख नहीं सकते थे, बाई कान से सुन नहीं सकते थे। मल्लिक मोहम्मद जैसी करवा के अलावा और भी अनेक रचना किए हैं, इनकी कृति हो गई, कृतियाँ पद्मावत, पद्मावत मुख्य है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पद्मावत के कवि कौन है या पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत के कवि कौन हो गए, मल्लिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जैसी जी की मुख्य रचना है। पद्मावत के अलावा और भी रचना किए हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलानामा, ठीक है, इतरावत इत्यादि रचना किए हैं। ये हो गया कवि परिचय। तो संक्षिप्त में हम लोग जान लेते हैं कवि के बारे में। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म जो है वह 1492 ईस्वी में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। मल्लिक मोहम्मद जैसी वह क्या थे, अनाथ थे, इनका बचपन साधुओं और फकीरों के संग व्यतीत हुआ, यह देखने में सुंदर नहीं थे, बाई आँख और बाई कान से वंचित थे, मृदुभाषी थे, विनम्र स्वभाव के थे, ठीक है। लेकिन यह मल्लिक मोहम्मद जैसी रूप कुरूप थे, सुंदर नहीं थे, फिर भी इन्होंने इतने अच्छे काव्य की रचना किए हैं जितने दो आँख वाला दो कान वाला नहीं कर सका, ठीक है। इनका निधन 1548 ईस्वी में हो गया। अब हम मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा रचित दोनों पदों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो करवक पाठ के कवि हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी, करवक पाठ के कवि हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी। तो करवक किस प्रकार का पाठ है, करवक आप लोगों को क्या है, कविता, ठीक है। करवक क्या हो गया, कविता हो गया। करवक क्या हो गया, कविता। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करवक किस प्रकार का पाठ है, करवक क्या हो गया, करवक कविता हो गया, ठीक है। तो करवक पाठ के कवि कौन हो गए, करवक पाठ के कवि हो गए हैं मल्लिक मोहम्मद जैसी। किसी को समझने में दिक्कत हुई है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करवक पाठ किस प्रकार का, करवक किस प्रकार का पाठ है, करवक पाठ के कवि कौन है, ठीक है। तो करवक पाठ के कवि हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी। करवक पाठ में कवि ने दो पदों का वर्णन किए हैं, करवक पाठ में कवि कितने पदों का वर्णन किए हैं, दो पदों का वर्णन किए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के सारे अपनी तुलना किए हैं। कवि को लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, कवि को लगता है कि वह तो सुंदर नहीं है, कवि क्या है, कुरूप है, देखने में सुंदर नहीं है, उनके फेस पे चेचक रोग का दाग है, ठीक है। तो वे प्रथम पद में विभिन्न उपमानों की सारे अपनी तुलना किए हैं,
साथ में यह भी बताया है कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है, व्यक्ति है, अगर उसमें गुण है तो उसमें गुण के साथ ही साथ क्या है, अवगुण भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में गुण है तो आप में अवगुण भी होगा, मेरे में गुण है तो मेरे में अवगुण भी है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को दिखता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपका गुण देख लिया है तो वह व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगा है, अगर कोई व्यक्ति आपका अवगुण देखा है तो आप उसकी नज़र में क्या है, खराब है, ठीक है। तो कवि का कहना है पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति है, अगर उसमें गुण है तो गुण के साथ ही साथ क्या है, अवगुण है। कवि कह रहे हैं कि मेरे में भी गुण है और अवगुण है। कवि में क्या गुण है, कवि में यह गुण है कि कवि इतने अच्छे काव्य की रचना किए हैं जितना दो आँख वाला, दो कान वाला नहीं कर सका। कवि में क्या अवगुण है, कवि में यह अवगुण है कवि के पास दो आँख नहीं है हम लोग की तरह। हम लोग के पास कितनी आँख है, दो आँखें। हम लोग कितनी आँखों से देखते हैं, दो आँखों से, दो कानों से सुनते हैं, लेकिन कवि के पास एक ही आँख है और एक ही कान है। कवि अपने आप को यह अवगुण बताते हैं। कवि का कहना है कि यह मेरा अवगुण है, लेकिन गुण क्या है, गुण यह है इतना अच्छा मैं कविता का रचना किया हूँ जितना दो आँख वाला, दो कान वाला नहीं कर सका। कवि का कहना है, आप चंद्रमा को ले लीजिए, आपको लगता है कि चंद्रमा में अवगुण नहीं है तो ऐसा नहीं है, चंद्रमा में भी अवगुण है। चंद्रमा में क्या अवगुण है, चंद्रमा में काला धब्बा है, ठीक है। गुण क्या है, वह प्रकाश देता है, उजियाला करता है, ठीक है। आप सागर को ही ले लीजिए, सागर में गुण है और अवगुण भी है। यानी जितने भी आप पृथ्वी पर वस्तु या कोई भी व्यक्ति को ले लीजिए तो उसमें गुण अवगुण दोनों होता है। यह किसका कहना है, कवि का कहना। प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के सारे अपना तुलना किए हैं और यह भी बताए हैं कि जितने भी पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, अगर उसमें गुण होता है तो उसमें क्या होता है, दोष भी होता है। द्वितीय पद में कवि क्या किए हैं, तो द्वितीय पद में कवि जो है अपनी रचना के द्वारा अमर होना चाहते हैं। द्वितीय पद में कवि जो भी रचना लिखे हैं, क्या लिखे हैं, करवक, पद्मावत, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई हूँ, अखरावट, यानी कवि के जो द्वारा लिखा गया रचना है उसके द्वारा वह अमर होना चाहते हैं। कवि का मानना है कि इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहा है, सभी काल क्रम में मारे गए हैं। क्या इस पृथ्वी पर कोई रहा है, नहीं। आज हम हैं, एक ना एक दिन हम लोग को भी जाना है, मर मिट के चले जाना है, ठीक है। इस पृथ्वी पर सभी का जन्म होता है और काल क्रम में सभी मारे जाते हैं, ठीक है। चाहे वह रानी पद्मावती हो, ठीक है, भगवान राम हो, या कह सकते हैं महात्मा गांधी हो, सभी का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ और काल क्रम में मारे गए। लेकिन यश कभी नहीं जाता, व्यक्ति जो करता है, ठीक है, वह अमर रहता है, यश व्यक्ति का नहीं मरता। जैसे महात्मा गांधी मर मिट के चले गए, लेकिन महात्मा गांधी के योगदानों को लोग आज भी याद कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी के योगदानों को लोग याद कर रहे हैं, जिसके द्वारा महात्मा गांधी क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी भी अमर होना चाहते हैं, किसके द्वारा, अपनी रचना के द्वारा। जैसी जी को लगता है आज न कल हम भी तो मारे जाएंगे, ठीक है, कालक्रम में चले जाएंगे, लेकिन मेरी रचना वह अमिट होगी। जब लोग मेरी
कविता को सुनेंगे, ठीक है, तो उस कविता के द्वारा मुझे दो पल याद करेंगे जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। किसी को समझने में दिक्कत? प्रथम पद में कवि क्या किए हैं, विभिन्न उपमानों के इशारे अपनी तुलना किए हैं, ठीक है, और साथ में यह भी बताया है कि अगर कोई वस्तु व्यक्ति है उसमें गुण होता है तो उसमें अवगुण भी अवश्य होता है। जबकि द्वितीय पद में अपनी रचना के द्वारा वह अमर होना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रथम पद का जो पंक्ति है उसको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, प्रथम पद का प्रथम पंक्ति है, ठीक है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, यह प्रथम पद का प्रथम पंक्ति है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी। एक मतलब क्या? एक, ठीक है, सिंगल। एक मतलब एक, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक मतलब एक, नैन मतलब आँख, नैन मतलब क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा, ठीक है, नैन मतलब आँख। कवि मुहम्मद गुनी, गुनी मतलब गुणवान, गुनी मतलब गुणवान, एक मतलब एक, नैन मतलब आँख, कवि मुहम्मद गुनी। तो यहाँ कवि कौन हो गए, मल्लिक मोहम्मद जैसी। किसी को समझने में दिक्कत है? एक मतलब एक, नैन मतलब आँख, कवि मोहम्मद, कवि हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी, गुनी मतलब गुणवान। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी क्या है, एक आँख वाले हैं, मल्लिक मोहम्मद जैसी एक आँख वाले, लेकिन फिर भी वह क्या है, गुणवान है। मल्लिक मोहम्मद जैसी एक आँख वाले है फिर भी वह क्या है, गुणवान है। किसी को समझने में दिक्कत भी है? आगे मैं बताती हूँ। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, सोई विमोहा, सोई मतलब सुनकर, सोई मतलब क्या, सुनकर, सुनकर, विमोहा मतलब क्या, विमोहा का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, ठीक है, विमोहा मतलब सुनकर, आप खुशी कह सकते हैं, खुश होना या प्रसन्न होना, ठीक है, या विमोह भी आप कह सकते हैं, विमोह। जेई कवि सुनी, जो, जेई मतलब क्या, जो, ठीक है, कवि सुनी, कवि सुनी, जेई मतलब जो, कवि सुनी, कविता सुनता है, कवि की कविता सुनता है। कवि क्या है, एक आँख वाले हैं, सोई विमोहा जेई सुन, जेई कवि सुनी, सुनी मतलब सुनना, सुनी मतलब सुनना। तो जो कवि की कविता सुनता है वह क्या हो जाता है, विमोह हो जाता है, या कह सकते हैं विमोहित हो जाता है, खुश हो जाता है। कवि क्या है, एक आँख वाले हैं, जो कवि की कविता सुनता है वह क्या हो जाता है, विमोह हो जाता है, विमोहित हो जाता है, या कह सकते हैं खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो कवि का कहना है कि मैं एक आँख वाला हूँ, लेकिन मैं इतने अच्छे कविता की रचना किया हूँ जितना दो आँख वाला भी नहीं कर सका। लोग मेरी कविता को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और अपने दुख दर्द को भुला देते हैं। किसी को समझने में दिक्कत भी है? यह पंक्ति आपको जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपको यह पंक्ति एग्जाम में दे दिया जाएगा और इसका कहेगा अर्थ स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर या 4 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है, यह आपको पंक्ति उठा के दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो इसको हम कैसे अर्थ स्पष्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों को अब समझाती हूँ। अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाए, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी, तो इसको इसका अर्थ स्पष्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार लिखेंगे,
प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, चूंकि यह पद भाग का है इसीलिए मैं पद्यांश दी हूँ, अगर गद्य भाग का रहता तो गद्यांश देती, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग दो के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग दो के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि कौन है, मल्लिक मोहम्मद जैसी, जिनके कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में पैराग्राफ चेंज करके, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि, ठीक है, कवि क्या है, एक आँख वाले हैं, कवि एक आँख वाले हैं फिर भी वह क्या है, गुणवान है। कवि एक आँख वाले हैं फिर भी वह गुणवान है, ठीक है। जो कवि की कविता सुनता है वह विमोहित हो जाता है। किसी को समझने में दिक्कत भी है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यह पंक्ति समझने में, ठीक है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेही कवि सुनी, मतलब कवि एक आँख वाले है फिर भी वह गुणवान है, उनकी जो कविता सुनता है वह विमोहित हो जाता है। अब आइए, ठीक है, सेकंड है, देखिए सेकंड पंक्ति है, चांद जईस जग विधि अवतारा दीने कलंक किन्ने उजियारा। चांद मतलब क्या, चांद मतलब हो गया चंद्रमा, चांद मतलब क्या हो गया चंद्रमा, जईस मतलब चांद के जैसे, जैसे, ठीक है, जईस मतलब जैसे या जैसा, ठीक है। जग, जग मतलब क्या, पृथ्वी धरती, ठीक है, संसार, आप संसार कह सकते हैं, संसार कहिए या पृथ्वी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। जग मतलब संसार, पृथ्वी। विधि मतलब क्या, ईश्वर भगवान विधाता। अवतारा मतलब जन्म दिया या भेजा, ठीक है। चांद जैस जग विधि अवतारा, तो चांद के जैसे, ठीक है, ईश्वर ने क्या किए हैं, मल्लिक मोहम्मद जैसी को धरती पर भेजे हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, अवतारा मतलब जन्म देना, भेजना हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी पर चांद का जन्म हुआ, मतलब जैसे पृथ्वी पर चांद, चांद क्या है, कलंकित है, ठीक है, जैसे विधाता क्या किए, चांद को पृथ्वी पर भेजे हैं कलंकित करके, ठीक उसी प्रकार चांद के जैसे मल्लिक मोहम्मद जैसी जी को भी जो है कलंकित करके विधाता ने पृथ्वी पर, धरती पर भेजे हैं। किसी को दिक्कत है समझने में। दीन्हे कलंक किन उजियारा, दीन्हे मतलब दिया गया, क्या दिया गया, कलंक, कलंक मतलब क्या, दाग, ठीक है। किन्हे उजियारा, उजियारा मतलब उजाला करना, उजियारा मतलब क्या, उजाला करना, उजाला, उजाला या कह सकते हैं प्रकाश फैलाना, ठीक है। दीन्हे कलंक किन उजियाला, मतलब जिस प्रकार चांद में काला दाग है, धब्बा है, ठीक है, तो चांद में क्या अवगुण है, चांद में अवगुण है कि चांद में काला धब्बा है, लेकिन गुण भी है। गुण क्या है कि वह क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, उजियाला करता है, ठीक है। तो जैसे चांद को कलंकित करके पृथ्वी पर भेजा गया है, ईश्वर ने मल्लिक मोहम्मद जैसी जी को जो है चांद की तरह कलंकित करके पृथ्वी पर भेजे हैं, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी को क्या कलंकित किए हैं, कलंकित हम कैसे कलंकित कह सकते हैं या दाग कह सकते हैं, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के पास जो है कितना आँखें, एक ही आँख है,
एक ही कान है। मलिक मोहम्मद जैसी एक ही आँख से देख सकते हैं, ठीक है, और मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह सुंदर सुंदर नहीं है, कुरूप है, उनके फेस पर चेचक रोग का दाग है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को लग रहा है तो यह मेरे में क्या है, कलंक है, जैसे चांद में कलंक लगा दाग लगा है, उसी प्रकार मेरे में भी यह दाग विधाता ने हमको दे दिया है, ठीक है। अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाए और कहेगा अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो कैसे अर्थ स्पष्ट कीजिएगा, देखिए। तो सबसे पहले जो मैं पहले बताई हूँ, अगर यह पंक्ति एग्जाम में आपको दे दिया जाए तो इसका अर्थ स्पष्ट हम ऐसे करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग दो के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि कौन हो गए, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। उसके बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है, ठीक है, जिस प्रकार विधाता ने चांद को धरती पर भेजा है कलंकित करके, ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी को भी है, मलिक मोहम्मद जैसी जी को कलंकित करके पृथ्वी पर भेजा है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार चांद प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी जी भी क्या करते हैं, प्रकाशवान है, प्रकाश फैलाते हैं, मतलब लोगों को सही राय देते हैं, परामर्श देते हैं, और इतनी अच्छी कविता का रचना किए हैं जिसे सुनकर लोग क्या हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपना दुख दर्द भुला देते हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति का एक यह भी अर्थ स्पष्ट होता है, अगर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उसमें अगर गुण होता है तो गुण के साथ साथ क्या होगा, अवगुण भी होगा, ठीक है। इस पंक्ति को समझने में किसी को दिक्कत भी है, नहीं होना चाहिए, आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज देखिए, थर्ड हम लोग का पंक्ति है, जग सूझा एकई नैना उबा सुख अस नख तन माहा। जग सूझा, जग मतलब क्या, संसार, जगत पृथ्वी कह सकते हैं, ठीक है, जग मतलब संसार। जग मतलब संसार, सुझा मतलब क्या, दिखा, देखा, देखा, ठीक है। एकई नैना, एकई मतलब क्या, एक, एकई मतलब एक, और नैना मतलब क्या, आँख। कवि क्या किए हैं, कवि संसार को या जग को कितनी आंखों से देखे हैं, एक ही नैना मतलब एक ही आंख से देखे हैं। कवि पूरे संसार को कितनी आंखों से देखे हैं, एक ही आंखों से देखे हैं। मैं अभी कितनी आंखों से देख रही हूँ, दो आंखों से देख रही हूँ, लेकिन कवि पूरे संसार को एक ही आँखों से देखे हैं। यही है जग सुझा एक ही नैना, कवि जो है पूरे संसार को एक ही आँखों से देखे हैं। उबा सुख अस नकतन महा, उबा मतलब उगना, उबा मतलब क्या होगा, उगना, सुख मतलब शुक्र, शुक्र तारा। आप लोग शुक्र तारा के बारे में जानते होंगे, शुक्र तारा जिसकी अलग पहचान होती है, जो सबसे पहले निकलता है और वह ज़्यादा प्रकाश देता है, ठीक है। उबा मतलब उगना, सुख मतलब शुक्र तारा। अस नक्षत्र महा, अस नक्षत्र महा बोलते हैं नक्षत्रों के मध्य, नक्षत्रों के बीच में जो होगा उसी को बोलते हैं अस नक्षत्र महा। तो नक्षत्रों के बीच में क्या होता है, शुक्र तारा होता है, जिसकी अलग पहचान होती है, ठीक है, वो ज़्यादा हाइलाइटेड रहता है। तो कवि अपने आप को क्या मानता है कि मैं शुक्र तारा हूँ, ठीक है, जिस प्रकार नक्षत्रों के मध्य में बीच में शुक्र तारा होता है, तो कवि जो है पूरे संसार को क्या किए हैं, एक ही आँखों से देखे हैं,
किसी को समझने में दिक्कत भी है? देखिए, अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा तो इसका अर्थ स्पष्ट इस प्रकार लिखिएगा, जग सूझा एक ही ने ना उबा सुख अस नखथन महा। मतलब प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह पूरे संसार को क्या किए हैं, एक ही आँखों से देखे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी पूरे संसार को एक ही आँखों से देखे हैं, उबा शुक्र अस नखथन महा। ठीक है, जिस प्रकार नक्षत्रों के मध्य बीच में शुक्र तारा होता है, उसकी अलग पहचान होती है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी जी पूरे संसार को एक ही आँखों से देखे हैं और मलिक मोहम्मद जैसी जी की एक अलग पहचान है। देखिए, नेक्स्ट हमारा पंक्ति है, जई लही अम्ही डाब न होई, तई लही सुगंध बसाई न सोई। जई लही, जई मतलब जब, जई मतलब जब, लही मतलब तब, जब तक, अम्ही मतलब आम, डाब मतलब क्या, मंजरी या मंजर कह सकते हैं, मंजर कह सकते या मंजरी कह सकते हैं। ना होई मतलब नहीं होगा, ना होई मतलब नहीं होगा, मतलब जब तक आम में क्या होगा, मंजर नहीं होगा। किसी को दिक्कत भी समझने में? जई मतलब जब, लही मतलब तब, ठीक है, अम्भी मतलब आम और डाब मतलब मंजरी। जब तक आम में क्या होगा, मंजर नहीं होगा। तई लही, तई मतलब तब, लही मतलब तक, सुगंध, सुगंध मतलब महक हम खा सकते हैं या सुगंध भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, महक ही है, सुगंध भी आप बोल सकते हैं। बसाई न सोई, बसाई मतलब क्या, बसेगा नहीं, ठीक है, बसाई न सोई मतलब बसेगा नहीं। जब तक आम में मंजर नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध नहीं बसेगा। जैसे अभी आम का, अभी क्या है, अभी अब जो है आम का सीजन आने वाला है, तो लोग जब आम खरीदते हैं तो देखिए आम उठा करके सूंघ के लेते हैं, ठीक है, तो लोगों का मानना है कि अगर ज़्यादा सुगंधित होगा तो वह खाने में, आम जो है खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ठीक है, वह ज़्यादा ही मीठा होगा। तो यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, क्या आप लिख सकते हैं? तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा, जब तक आम में क्या होगा, मंजर नहीं होगा, तब तक उसमें क्या होगा, सुगंध नहीं बसेगा। किसी को दिक्कत भी है? नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है, किन्ने समुद्र पानी जो खारा, ठीक है, किन्ने समुद्र पानी जो खारा, मतलब समुद्र पानी मतलब क्या, समुद्र का पानी, तो समुद्र का पानी क्या होता है, जो खारा, खारा मतलब नमकीन, नमकीन, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तौ अति भरऊ असूज अपारा, समुद्र का पानी वह खारा होता है, नमकीन होता है, इसीलिए वह क्या होता है, तौ अति, इसलिए वह भरऊ असूज अपार, असूज मतलब क्या, जिसको हम नहीं देख सकते, अपार, अपार। समुद्र को देखिएगा, लगेगा यह कहाँ तक गया है, इसका कोई छोर नहीं है, लगता अब समुद्र है ही, ठीक है। तो असूज मतलब होता है अपार, अभरऊ मतलब गहरा, ठीक है। किन्ने समुद्र पानी जऊ खारा, तो अति भऊ असूज अपारा, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, इसीलिए वह असूज और अपारा होता है, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, अपार होता है, ठीक है। किसी को समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए,
जउ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लांग आकाशा। तो सुमेर पर्वत, तो शंकर भगवान क्या किए थे, सुमेर पर्वत को, सुमेर पर्वत का विनाश करने के लिए वह त्रिशूल उस पर मारे थे। ठीक है, जब भगवान शंकर ने त्रिशूल से सुमेर पर्वत का विनाश किए थे नष्ट करने के लिए, लेकिन जब वह त्रिशूल से विनाश उस पर त्रिशूल से प्रहार किए सुमेर पर्वत पर, वह विनाश क्या होगा, वह तो सोने का बन गया, सोने का बन गया और इतना ऊंचाई ऊंचा पहुंचा। ठीक है, वह आकाश पहुंच गया, मतलब करना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और गया। कभी कभी होता है ना, हम लोग करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। इसका यह भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जऊ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल मतलब क्या हो जाएगा, त्रिशूल, विनाशा मतलब क्या, विनष्ट, नष्ट करने के लिए। तो सुमेर पर्वत, जऊ जऊ मतलब जब, ठीक है, जब सुमेर पर्वत को त्रिशूल से विनाश करे, शंकर क्या, भगवान क्या किए थे, त्रिशूल से सुमेर पर्वत का विनाश किए थे। भा कंचन गिरी, कंचन मतलब सोना, भा कंचन गिरी लांग आकाशा, लांग आकाशा मतलब क्या, लांग मतलब पार। ठीक है, वह पर्वत जो है और आकाश मतलब सोने का हो गया और वह आकाश तक पहुंच गया। अगर इसको आपको, आप इसका अर्थ स्पष्ट करना हो तो कैसे लिखिएगा, प्रस्तुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि जब शंकर भगवान ने, भगवान शंकर ने सुमेर पर्वत का विनाश करने के लिए त्रिशूल से प्रहार किए तो वह पर्वत सोने का बन गया और वह आकाश चूमने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जई लही घड़ी कलंक ना पड़ी, जई लही मतलब, जई मतलब जब, लही मतलब तब, जब तक, जब तक, ठीक है, जब तक, जब तक घड़ी, घड़ी कहते हैं जिसमें सोना को तपाया जाता है, कच्चा सोना किसी काम का नहीं होता है, तो कच्चा सोना का अगर हम, कच्चा सोना वह क्या होता है, लचीला होता है, उसका अगर आभूषण बनाते हैं तो वह आभूषण भी किसी काम का नहीं होता है, वह लचीला होता है, वह तुरंत ही उसका, अगर सोना, सोना से कोई भी आभूषण बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जेवर बनाते हैं, तो वह क्या होता, पिचक जाएगा। ठीक है, या मतलब कह सकते हैं जो प्योर अगर सोना हमें चाहिए तो उसको तपाया जाता है। ठीक है, तभी वह कच्चा सोना से, जितना वह तपेगा तभी वह कच्चा सोना से क्या बनेगा, पक्का सोना बनेगा। ठीक है, तो कच्चा से पक्का, पक्का बनने के लिए, पक्का सोना बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। तो घड़ी बोलते हैं कि जिस बर्तन में जो है सोना को तपाया जाता है। ठीक है, कलंक में से दाग भी कह सकते हैं या कालिख भी यहाँ कह सकते हैं। जब तक घड़ी, घड़ी मतलब हो गया जिस बर्तन में सोना को तपाया जाएगा, कलंक जब तक उस बर्तन में कालिख ना हो या दाग ना पकड़े, ना पड़ा, जब तक सोने के जो बर्तन में दाग नहीं पड़ेगा, कलंक नहीं पड़ेगा, कांच होई नहीं कंचन गिरी, मतलब कांच होई नहीं कंचन गिरी, कंचन मतलब होता सोना। ठीक है, तब तक मतलब कच्चा सोना से वह पक्का सोना नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक सोना को तपाया नहीं जाएगा तब तक वह सोना कच्चा सोना से पक्का सोना, पक्का सोना नहीं बनेगा। किसी को दिक्कत भी है, नेक्स्ट है, देखिए, एक नैन जैसे दर्पण ओ तही निर्मल भाव, निर्मल भाव। ठीक है, तो कवि कह रहे एक नैन, एक मतलब, एक नैन मतलब आँख, एक आँख जस दर्पण, जस जस मतलब जैसा, किसके जैसा, दर्पण, दर्पण मतलब क्या, आईना, दर्पण मतलब
आईना, तो एक आँख किसके जैसा है? दर्पण के समान है। तो किसका नैन? जैसी जी का नैन। जैसी जी के पास कितने नैन है? एक ही नैन है, एक ही आँख है। वह किसके समान है? दर्पण के समान निर्मल है। दर्पण मतलब आईना। दर्पण के सामने जो व्यक्ति होगा, जो वस्तु होगा, वह उसी का प्रतिबिंब दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम दर्पण के सामने में है और आईना किसी और को दिखाएगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर आप आईना के समान हैं, आईना के सामने है, तो आईना आप ही का तस्वीर दिखाएगा। किसी और का दिखाता है? नहीं दिखाता है। तो दर्पण क्या होता है? निर्मल होता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का छलकापट नहीं होता है। कवि का कहना है, एक नैन जस दर्पण ओ तही निर्मल भाव, ठीक है, ओ तही और उसका, ठीक है, निर्मल भाव। निर्मल मतलब क्या? बिना मैल के, निष्पक्ष, ठीक है। निर्मल भाव, भाव मतलब भावना, ठीक है। तो कवि का, कवि के एक ही आँख है और वह एक आँख जो है दर्पण के समान क्या है? निर्मल है, ठीक है, निर्मल भाव है, किसी प्रकार का छलकपट नहीं है। कवि एक ही आँख से देखते हैं और वह जो भी देखते हैं, देखने का जो भाव है वह क्या है? निर्मल है, ठीक है। सब रूपवंत, सब मतलब क्या? सब लोग, सब क्या है? रूपवंत है। रूपवंत मतलब क्या? देखने में सुंदर, रूपवंत। रूपवंत मतलब कवि का कहना है कि सब क्या है? रूपवंत है, सब देखने में सुंदर है। गाही मुख जो वही कई चाव, कवि का कहना है कि जो भी रूपवान लोग हैं, सुंदर लोग हैं, सब सब क्या कर रहे हैं? मेरी कविता को जब वह सुनते हैं तब बड़ा चाव से सुनते हैं, ठीक है। मेरी कविता को जब वह सुनते हैं तो बड़ा ही चाव से सुनते हैं, प्रसन्न हो करके सिर हिलाने लगते हैं। कवि का कहना है कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, लेकिन सुंदर व्यक्ति भी मेरी कविता को सुनता है और वह खुशी के मारे विमोह हो जाता है, सिर हिलाने लगता है और दुख दर्द को भूल जाता है। जैसे जब आप कभी टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो अगर कुछ अगर उस समय मन पसंदीदा गाना सुन लेते हैं तो कुछ समय के लिए दुख दर्द भूल जाते हैं हम लोग। जब हम लोग काफ़ी चिंता में होते हैं या कुछ मतलब ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, अगर गाना सुन लिया मन पसंदीदा गाना, तो कुछ समय के लिए क्या होता है? दुख दर्द को भूल जाते हैं। तो कवि का कहना है कि ठीक उसी प्रकार सुंदर सुंदर व्यक्ति भी आता है और मेरी कविता को सुन करके अपना दुख दर्द भूल जाता है, खुशी हो जाता है, कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, अपने दुख दर्द को भूल जाता है। इसको समझने में दिक्कत भी है, नहीं होना चाहिए, क्या आप लोग लिख सकते हैं? सब रूपवंत गाही मुख जो वही कई चाव, चाव मतलब चाव से सुनते हैं। देखिए इसको हम, अगर यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाए, यह पंक्ति भिविया है, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चा, यह पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं, अपने कॉपी में भी पंक्ति लिख लीजिएगा और अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छे से समझ गए हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा, यह पंक्ति अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग दो के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि कवि एक कि मैं कवि का कहना है कि वह क्या है? एक आँख वाला है, ठीक है, एक ही आँख है, लेकिन वह दर्पण के समान क्या है? निर्मल है।
कवि कवि के पास एक ही आँख है, वह एक आँख वाला है, लेकिन वह दर्पण के समान क्या है, निर्मल है, किसी प्रकार का मैल नहीं है। जब कभी भी कवि कविता कहते हैं, ठीक है, तो रूप वाले लोग, सुंदर लोग, ठीक है, वह क्या करते हैं, बड़ी चाव से कवि की कविता सुनते हैं और प्रसन्न हो उठते हैं। किसी को दिक्कत भी समझने में नहीं होना चाहिए, यह भी आपको VVI है। और एक और ये भी आपको VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह दोनों मल्लिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा रचित जो पद है, यह पंक्ति और जो अभी लास्ट वाला पंक्ति, दोनों VVI है, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को सेकेंड पद समझाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।